होकोविड्स और विलियम्स के के एम साइकिल के स्टेजेस क्या हैं इस पर हम बात करेंगे आपके सामने ये मॉडल है ये साइकिल आपको नजर आ रहा है इसमें आप देखिए कि जो सेंट्रल आइटम है वो नॉलेज है और नॉलेज के गिर्द जो है वो दो सर्कल आपको नज़र आएंगे एक रूट है गेट यूज़ लर्न एंड कंट्रीब्यूट से फिर नॉलेज की तरफ और दूसरा रूट है असेस बिल्ड सस्टेन उससे फिर नॉलेज की तरफ और एक ऑप्शन यहाँ दी गई है और डाइवर्स की तो यहाँ पे आप गौर करें ये जो लेफ्ट साइड वाला रूट है ये टेक्टिकल लेवल है और जो राइट साइड वाला रूल है ये स्ट्रेटजिक लेवल है तो इसकी सारी तफसील आइंदा हम डिस्कस करते हैं नॉलेज के बारे में सबसे पहले कि नॉलेज के अंदर क्या क्या शामिल है नॉलेज डिपॉजटरीज रिलेशनशिप्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल स्किल सेट्स प्रोसेस नो हाउ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज से जो नॉलेज आता है तो ये जो टॉप की सारी ऑप्शंस हैं ये आम तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट होने वाले नॉलेज की अकसाम हैं और सबसे आखिर में जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेस से जो नॉलेज आता है कि जो भी प्रोसेस हमारे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उससे रेलिवेंट इसके बाद टेक्निकल फेजेस हैं ये फेजेस हैं गेट लर्न एंड कंट्रीब्यूट और ये फेजेस आम तौर पर मार्केट ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज से या डिमांड से ट्रिगर होती हैं उससे डिमांड आती है और उसके बाद नॉलेज साइकिल मुकम्मल होता है आम तौर पर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो डे टू डे यूज़ ऑफ़ नॉलेज टू रिस्पॉन्ड दीज डिमांड्स के मार्केट से डिमांड्स आती हैं उसके बाद नॉलेज हासिल किया जाता है उस नॉलेज को फिर यूज़ करके तो डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है इसके दूसरी तरफ स्ट्रेटजिक फेजेस हैं उसमें असेस बिल्ड या सस्टेन और फिर डाइवेस्ट है और ये आम तौर पर मैक्रो uh, एनवायरनमेंट अब मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो उस इदारे के उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस इंडस्ट्री के बाहर जो कुछ हो रहा है उस एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पर गौर करने के लिए उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ये स्ट्रेटजिक फेजेस इसमें अप्लाई किए जाते हैं अब हम बारी बारी इन फेजेस को देखते हैं सबसे पहले गेट है अब गेट का मतलब ये है कि सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक डिसीजंस सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक इनोवेश उसके बाद ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड इस इंफॉर्मेशन के गेटिंग में या नॉलेज के गेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के दौर में और ट्रेनिंग टेस्ट नॉलेज इज़ आई चैलेंज दीज डेज अब टेस्ट नॉलेज की उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है कि उसको फिर कैप्चर करना भी एक एक मुश्किल काम है एक चैलेंज है इसमें एक और डिफ़िकल्टी ये है कि वैल्यूबल नॉलेज को फाइंड आउट करना और उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना भी एक मुश्किल काम है इसमें फिर ये एक और चैलेंज है वो है कि यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए यूज़र uh, की नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसिफ़िक स्किल्स की ज़रूरत होती है और ये एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आता है इसके बाद इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का यूज़ है कि हाउ टू कंबाइन इंफॉर्मेशन टू फॉस्टर इनोवेशन इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है उसको कंबाइन करना है एक जगह इकट्ठा करना है और उसके बाद उसे यूज़ के काबल बना के उससे हमने अपने मकासद हासिल करने हैं इसमें फोकस क्या है इंडिविजुअल्स के ऊपर और फिर ग्रुप्स के ऊपर और यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एसेट्स

तो इसमें जो है वो लर्निंग का प्रोसेस है यूज़ ऑफ़ नॉलेज कैन रिज़ल्ट इन सक्सेस या उसको दूसरे लफ्ज़ों में बेस्ट प्रैक्टिस कहेंगे या उसमें फेलियर्स होते हैं और फेलियर्स को हम लेसन लर्न कहते हैं तो दोनों में से एक सूरत हो सकती है उसके बाद लर्निंग इज़ इसशल आफ्टर गेटिंग एंड यूजिंग नॉलेज कि जब भी नॉलेज गेट किया जाएगा और उसे यूज़ किया जाएगा तो उसका लाजमी नतीजा होगा कि कुछ ना कुछ लर्निंग होगी उसके बाद कंट्रीब्यूट का फेज़ है कि एम्प्लॉज़ पोस्ट वॉट दे हैव लर्न टू द रिपॉजिटरी कि एक लाइब्रेरी एक डाटा बेस या रिपॉसिटी की कोई और फेस या शक्ल हो सकती है उसमें एम्प्लॉइज़ पोस्ट करते हैं उस नॉलेज को जो उन्होंने लर्न किया वे टू मेक इंडिविजुअल नॉलेज विजिबल एंड अवेलेबल एकर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रिपॉसिटी में जो नॉलेज आता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज़ के लिए अवेलेबल होता है पोस्टिंग एवरीथिंग इज़ नॉट नीडेड इन दिस फेज ओनली बेस्ट प्रैक्टिस एंड लेसन लर्न शुड बी एडिड अब दो टाइप्स हैं या सक्सेस होंगे या फेलियर्स होंगे तो उन दोनों को आप रिपोर्टी का हिस्सा बनाएंगे अ गुड ऑर्गेनाइजेशन मेमरी मैनेजमेंट सिस्टम इज नीडेड तो इस तरह के सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम भी आजकल अवेलेबल हैं इस तरह का एक सिस्टम यहाँ पे चाहिए होगा जिसको अप्लाई करके आप नॉलेज को कंट्रीब्यूट करें उसके बाद असेस का है असेस के फेज़ में हम इवेलुएट करते हैं उस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को या नॉलेज को कि जो हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन शुड डिफाइन मिशन क्रिटिकल नॉलेज एंड मैप करंट इंटेलेक्चुअल कैपिटल अगेंस्ट फ्यूचर नॉलेज नीड्स कि नॉलेज की जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है इस वक्त जो हमारी रिपोर्जी में नॉलेज का एसेट है इस तरह से मैट्रिक्स शुड बी मेड टू मेयर इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इस तरह के मैट्रिक्स या इस तरह के स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स वजह करने की ज़रूरत होती है कि जो एवेलन में या असेसमेंट में हेल्प कर सकें इसके बाद बिल्ड या सस्टेन का एक मरला है इंश्योर्स दैट फ्यूचर इंटेलेक्चुअल कैपिटल विल कीप द ऑर्गेनाइजेशन वाइबल एंड कम्पैटिबल अब नॉलेज को आ, किस तरह से हमने बिल्ड करना है किस तरह से हमने उसको मेंटेन या सस्टेन करना है कि किस नॉलेज की कहाँ ज़रूरत है और किसको फिर हमने उसमें से निकाल देना है रिसोर्स मस्ट भी एलोकेट टू ग्रो एंड मेंटेन नॉलेज एसड्स टू गेन न्यू नॉलेज एंड री इनफोर्स एग्जस्टिंग नॉलेज कि नया नॉलेज हासिल कहाँ करना है और एग्जिसटिंग नॉलेज को री इनफोर्स कैसे करना है अब इसमें जो आखिरी स्टेप है वो है डाइवेस्ट का अब डाइवेस्ट का मतलब ये है कि जो नेसेसरी नॉलेज नहीं है जो ज़्यादा कार नहीं है उसे हमने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं निकाल देना है उसे मेन डिपॉजिटी का हिस्सा नहीं बनाना ताकि हमारे रिसोर्स की बचत हो सके और इसमें देखना ये है कि नॉलेज की होल्डिंग का या उसको डायवेस्ट करने का जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो हमारे किस तरह से काम आता है